अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल समीर, आप देख रहे हैं 4K न्यूज। नसीम लाला ये टू सुलेमान नगर में एक गरीब बच्ची की शादी हो रही थी फंक्शन हॉल में, स्कूल फंक्शन हॉल में। तो उस शादी में बस्ती के पूरे लोग आते और लोकल जो सोफा मेकर फिरोज भी था शादी में, और नसीम लाला बोल क्या रियल एस्टेट कारोबार करता उन्हें था, परवेज था, मोहसिन बहुत जेने थे। तो ये नसीम लाला जो भी सुलेमान नगर में रहता उन्हें जरा पी के थोड़ा शराब पी के था, तो कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ लीसेंस हुआ उसमें। तो शादी के अंदर गड़बड़ हो रहा बोल के लोग कोई 100 डेल को फोन करे, तो 5 मिनट के अंदर हमारे पेट्रोलिंग व्हीकिल शादी के पास पहुंची। तो शादी हो रहा बहुत जेने थे, गरीब बच्ची की शादी थी बोल के थोड़ा बहुत समझे। बड़े जो शादी में बड़े लोग आते हैं बोले सब आपस में लोग देखिए सब हम बात कर लेते सब बोल के हमारे पेट्रोलिंग वैन को थोड़ा वहां से थोड़ा दूर हट गए। तो इन्हें नसीम लाला जो पी के था और वो फिर कम्प्लेट करा बोल के उसके ऊपर गुस्सा बढ़ा लिया उन्हें, और वो थोड़ा बदमाश टाइप का है नसीम लाला। उसके साथ में हमेशा बटन चाकू लगा लेता हूँ, रियल इस्टेट हुए कारोबार करता बटन चाकू हमेशा साथ में लगा लेता हूँ। तो उस दिन रात में शादी चल रही थी, लोग खाना वाना खा रहे थे, तो बाजू ये फिरोज बाहर निकल के उस दोस्त के साथ में अकेले के साथ में तकरीबन रात के 1:30 बजे घर को जाना था। तो उन्हें मेरे को बदनाम करा, उन्हें पुलिस वाले ने बुलाया बोल के ग्रज लगा लिया नसीम लाला। उन्हें दोस्त को बुला लिया, सर्वर के घर गया, सर्वर को लिया और मोहसिन को लिया। तो ले लेके फिरोज मोटरसाइकिल पे घर को वापस जा रहा था, रास्ते में रोक के उन्हें सर्वर और मोहसिन वकील पीछे था उसको रोक लिया, उसको उतरने के बाद अकील को रोका उन्हें मोहसिन और सर्वर। तो इन्हें नसीम लाला चाकू लेके उसको स्टैब करा फिरोज को, तो सीने में चाकू उतरा, ब्लीडिंग चालू हो गया तो गिर गया ब्लीडिंग से उन्हें। फिर इमीडिएट फिर लोग 100 को डायल कर, तो 3 मिनट के अंदर 100 डायल के हमारे पुलिस वाले पहुंच गए। वही एरिया में थे, सलीम नगर सुलेमान नगर के मेन रोड पे थे, पहुंच के उसको इमीडिएट एक एम्बुलेंस में लेके उस्मान हॉस्पिटल को लेके गए। तो ब्लीडिंग हैवी था, उस्मान हॉस्पिटल ले आने के बाद डॉक्टर से एग्जाम करके उसको ब्लड डेड बोल के डिक्लेयर करें। तो इमीडिएट उसके बाद वो लेके अखिल साथ में भी था, अखिल जो आई विटनेस है साथ में था, उन्हें भी डॉक्टर ने साथ में गया था। तो इसको कंप्लेन लेके इमीडिएट रिमांड के रजिस्टर करे नसीम वाला के ऊपर, सर्वर के ऊपर और मोहसिन के ऊपर तीनों। तो कल रात में भाई हुए थे, तो राके फिर इंस्पेक्टर सुरेश राजेंद्र नगर से मौके पर पहुंच के 45 मिनट्स के अंदर जाके पर एग्जामिन करे, पंचनामा करे, पूरी सबको एग्जामिन करे, शादी के अंदर कौन कौन थे और गवाह कौन कौन थे, सबको भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया होगा, रिकॉर्ड कर लेके नेक्स्ट डे फिर पोस्टमार्टम करा देके बॉडी को हैंडल कर दिए। तो अच्छी बंदोबस्त सब लोग लगा एरिया में आएंगे गड़बड़ियों सर का उसका मोहता भी करे। तो पूरे महीने के लोग आए, वो सोफा मेकर था, फिर अन्ना एक था 22 साल का उम्र है, ये नसीम लाला बदमाशी और छोटे मोटे रियल इस्टेट वगैरह कर लेके मैं कारोबार कर लेता था। वो ये सर्वर बोल के भी इसका दोस्त है, वो दूसरे केसेस में भी है दोनों बदमाश है, मोहसिन भी है, तो तीनों इन्वॉल्व है केस में, दो पकड़े एक मारा स्टैप करा। तो क्लियर एविडेंस है, लोग देखे सो है, अकेले साथ में था तो गवाह भी अच्छा गवाह है, तो उनको अरेस्ट कर लिए और जो चाकू इस्तेमाल करे वो भी सीज कर दिए। तो इनके ऊपर दूसरे केसेस में इन्वॉल्व है ये तीनों, उनके ऊपर पीडीएक्ट भी लगाने वाले है, पीडीएक्ट प्रपोजल भी इंस्पेक्टर सुरेश प्रपोजल डाल दिया आज ही, प्रपोजल 3-4 दिन के अंदर प्रपोजल कमीशन साथ में प्रपोजल आ जाएगा वो पीडीएक्ट में इनको डिटेन कर लेते हैं। तो गुजारिश ये है कि बदमाशियां नहीं करना लोगों को, ये पी के रातों में 11-12 के बाद रोड पर नहीं गिरना। तो सुलेमान नगर तकरीबन एक पीसफुल एरिया से गुजर रहा था, ये वाक्य से थोड़ा गड़बड़ हो गई एरिया में, पूरे लोग पूरे डरने लगे। तो हम चबूतरा मिशन कैंपेन चालू करे, फिर उधर हम इलेक्शन तक पार्लियामेंट इलेक्शन तक चबूतरा मिशन चलाया था, पूरा पीसफुल था।
फिर अब शादियां वो थे बोल के हम रोक दिए थे। वो तकरीबन सुलेमान नगर एरिया से लेके 9 नंबर तक 25 शादी खाने हैं, शादियां होती थी तो रात में लोग आते जाते जाते रहते, तो हम थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करने के लिए बोल के हम थोड़ा चबूतरा मिशन रोके। फिर ये वाक्य होने के बाद चबूतरा मिशन चालू करे डेली, जो भी रात के 12 के बाद रोड पे जो दिखेगा चबूतरे में बैठेंगे, होटल के बाद उधर घूमेंगे, सिरणा पी के घूमेंगे, 9 बजे से 2 बजे से मोटरसाइकिल पे घूमेंगे, पैदल जाएंगे, सबको लेके आएंगे, लाएंगे। तो चबूतरा मिशन में उन्होंने दूसरा बार घटा तो उसको हम जेल को भिजा देते एक हफ्ते के लिए, वो भी वाहन कर रहे हैं, कोई पेरेंट्स बोला कि काउंसलिंग भी कर रहे हैं। फिर चबूतरा मिशन चालू रहेंगे और उधर गार्डन सर्च भी करके फिर लोगों में फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम सैटरडे संडे हफ्ते में 2 बार सुलेमान नगर ए बी और एडजस्टिंग एरिया में गार्डन सर्च ऑपरेशन भी करें, सभी तीनों को अरेस्ट करें, उन तीनों को रिमांड करने वाली है।